नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फॉलो करना होता है, क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट बन पाएँ, और इस पूरे जर्नलिस्ट के कोर्स को करने में कितनी फीस लगती है, और लास्ट में जब आप एक जर्नलिस्ट बन जाते हैं तो कितनी आपको एवरेज सैलरी मिलती है। तो जर्नलिज्म एक बहुत ही चार्मिंग करियर ऑप्शन है और कहा जाता है कि एक जर्नलिस्ट डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है। एक जर्नलिस्ट बनने के बहुत सारे पर्क्स होते हैं, जैसे आप डायरेक्ट सेलिब्रिटीज से मिल पाते हैं, आपको कुछ ऐसी जगह का एक्सेस होता है जो कि आम पब्लिक को नहीं होता है, जैसे अगर लॉकडाउन का टाइम है तो आप सड़कों पर जा सकते हैं और न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, साथ ही यहां पर आपको नेम और फेम भी मिलता है। जैसे आपने टीवी पर कई एंकर्स देखे होंगे, जैसे अंजना ओम कश्यप, रवीश कुमार, रजत शर्मा, और ये सब आज की तारीख में एक सेलिब्रिटी हैं और बहुत ही अच्छी अर्निंग भी करते हैं अपने इस प्रोफेशन से। तो अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा अपनी एक फ्रेंड से जिन्होंने खुद ने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है। तो वो अब आपको आगे अच्छे से बताएंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं और कैसे आप जर्नलिज्म के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो ओवर टू यू मोनिका। हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिका चौधरी। एज अर्पित ने आपको बता दिया होगा कि इस वीडियो में हम लोग जर्नलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता क्या है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि दुनिया के चारों ओर जो भी चीजें होती हैं उस सबको, कंटेंट को, उस न्यूज को इकट्ठा करके दूसरे और बाकी लोगों तक पहुंचाना और एक सही तरीके से पहुंचाना और इन्हें समझाना। अब दूसरी बात, जर्नलिज्म कौन कौन कर सकता है। तो 12th पास करने के बाद किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जर्नलिज्म कर सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको 12th में 50% मार्क्स की जरूरत होती है। उसके बाद आप किसी भी कॉलेज का एग्जाम दे सकते हैं या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जर्नलिज्म एक एसेंशियल सर्विसेज में से एक है। अगर जैसे कि अगर आप अभी का एग्जांपल ले लें, कोरोना के वक्त सारी चीजें बंद है लेकिन 3 ही लोग हैं जो बाहर जा सकते हैं, जो पुलिस में है, डॉक्टर्स है, प्रशासन है और साथ ही मीडिया। तो सबसे पहले तो आपको क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नई चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, लोगों को चीजें समझानी होती है। जर्नलिज्म के लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं वो है JNU, BHU और IIMC, लेकिन IIMC में सिर्फ PG डिप्लोमा कराए जाते हैं, और साथ ही माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स एंड सिम्बायसिस, और साथ ही एशियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स जो चेन्नई में है। तो ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये कुछ सेमी गवर्नमेंट हैं और कुछ गवर्नमेंट हैं, इन सब में जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको जर्नलिज्म करने के लिए अलाउ करते हैं, जिसमें सर्टिफिकेशंस और डिग्रीज के कोर्सेज हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फीस की। तो अगर हम फीस की बात करते हैं तो जो सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं जो सेंट्रल के अंडर आते हैं उनकी फीस 5,000 से 10,000 रुपए साल होती है जर्नलिज्म की। वहीं अगर सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात की जाए तो वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये फीस थोड़ी सी हाई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो जर्नलिज्म है वो प्रोफेशनल कोर्स है। इसको करने में जो कॉलेज का एक्सपेंस होता है, उसमें फील्ड वर्क और जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं उसमें बहुत सारा एक्सपेंस कॉलेज का लगता है, और हमें स्टूडियो चाहिए होता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो इसीलिए इसकी फीस जो स्लाइटली थोड़ा हायर आपको लग सकती है बाकी कोर्सेज से, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लें तो आपकी फीस बहुत ही ज्यादा कम लगेगी। अब बात करें कि जर्नलिज्म के बाद जॉब्स किस किस प्रोफाइल पे लगती है। तो सबसे पहले तो आप टीवी में जॉब कर सकते हैं, रेडियो में जॉब कर सकते हैं, प्रिंट यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जॉब कर सकते हैं, एज अ प्रोड्यूसर आप काम कर सकते हैं, एज अ कैमरा पर्सन आप काम कर सकते हैं, कंटेंट राइटर आप काम कर सकते हैं, और आप इन सब चीजों में अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो आप एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर सकते हैं, जो आप अपने घर से या कहीं से भी आप काम कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये सारी जगह पे आपको जॉब मिल सकती है जर्नलिज्म के बाद। और
और आप जर्नलिज्म के बाद मिलने वाली सैलरी की अगर बात करते हैं, तो अगर आप जर्नलिज्म करने के बाद कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो एक फ्रेशर के तौर पे अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको 15,000 से 25,000 तक के आपको सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। लेकिन वहीं आप 1-2 साल तक अगर काम करते करते आप इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 50,000 to 1,00,000 रुपए महीने आपको सैलरी मिल जाएगी। और जैसे कि अगर बात करें कि आप 7-8 साल तक लगातार मेहनत करके काम करते हैं एज अ डेस्क राइटर या फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं जर्नलिज्म में, जैसे कि आप अंजना ओम कश्यप को देख सकते हैं, सुधीर चौधरी को देख सकते हैं, श्वेता सिंह को देख सकते हैं, अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनकी सैलरी अगर एक अराउंड फिगर भी लगाते हैं तो 25 लाख पर मंथ होती है। तो 7-8 साल काम करने के बाद आप अगर लगातार कड़ी मेहनत के बाद अपनी सैलरी को, आपका जो पैकेज होगा ईयरली, वो आप करोड़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात कि जर्नलिज्म की जो जॉब होती है वो कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज पे डिपेंड नहीं करती है। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल्स कितने अच्छे हैं, क्या क्या स्किल्स हैं और क्या कितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास है किसी भी फील्ड को लेकर। अगर आप अपने फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट है आप, तो आपको ईजिली जर्नलिज्म में जॉब मिल सकती है। जर्नलिज्म करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, यानी कि बहुत सारे पर्क्स होते हैं। जैसे कि आप जब आपको फेम मिल जाता है तो लोग आपको जान जाते हैं, ऑब्वियसली आपकी एक अलग इमेज बनती है हटकर। साथ ही अगर आप एक फील्ड वर्क में हैं तो आपको घूमने का बहुत ज्यादा मौका मिलता है, आप आउट ऑफ कंट्रीज भी जाते हैं घूमने के लिए। तीसरी चीज ये होती है कि आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिलता है। चौथी चीज ये होती है कि आप चैलेंजिंग जो चीजें होती हैं वो करने को आपको मिलती हैं, क्योंकि डेली डेली एक ही चीज करके लोग बोर हो जाते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जो टास्क होते हैं वो डेली मिलते हैं। अगर इतने सारे फायदे हैं जर्नलिज्म के तो कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होंगे, यानी नुकसान तो नहीं कह सकते, डिसएडवांटेजेस तो हर चीज के होते हैं। तो इसमें भी एक ही, कोई भी वर्क शेड्यूल नहीं होता, हैक्टिक होता है और फिक्स्ड नहीं होते आपके काम के आवर्स। अगर आप एक रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, तो कभी भी आपको कोई न्यूज कवर करने के लिए बुलाया जा सकता है, जिसकी वजह से आप जो एक शेड्यूल होता है वो एक जैसा फॉलो नहीं कर पाते हैं। कभी आपको रात में जाना होता है, कभी आपको दिन में जाना होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा हैक्टिक शेड्यूल रहता है। दूसरा, आपकी मे बी आपकी जो ये जर्नलिज्म वाली लाइफ होती है उसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने घर वालों के अकॉर्डिंग टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, आपको जॉब पे जाना पड़ेगा, आपके टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। तीसरी चीज ये होती है कि आप जो है कभी कभी सोशल प्रेशर में आ जाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते हैं, तो आपको काम फिर भी करते रहना पड़ता है और पॉजिटिव ही रहना पड़ता है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप अपना खुद का ओपिनियन नहीं रख सकते, आपको जो फैक्ट है वो फैक्ट आपको वहां पे शो करना पड़ेगा, जो सच है उसके लिए आपको प्रूफ होना चाहिए आप जो भी बोल रहे हैं, तो आप अपना ओपिनियन जनता के सामने नहीं रख सकते हैं। तो ये थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं जर्नलिज्म के। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी जो हमें पता होनी चाहिए, जो चीजें हमें जर्नलिज्म करने से पहले। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी और आने वाले टाइम में आप इसका यूज करेंगे ऑब्वियसली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एपीपीडिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर से क्लियर हुए होंगे, और अगर आगे भी आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा। दोस्तों, मैंने मोनिका के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप एक बार जाकर उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल वो बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज को अपने चैनल पर कवर कर रही है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।